गुड मॉर्निंग ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th. यस माई डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड द चैप्टर नंबर 3rd, द सेल्फ इज जाइन. बट इन दिस चैप्टर वी विल कम, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑल ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दोज ओनली फॉर यू. टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स. अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके, अभी तो सिर्फ एक पॉइंट है, इसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है. अब इस पॉइंट के अंदर क्या हुआ है कि जो चिल्ड्रन हैं वो भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आल्सो विल बी देयर. द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय हुम ही लव्ड डियरली. एंड वहाँ पर फिर क्या होता है, उसके जो सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और एक छोटा बच्चा होता है जो उसका बहुत बहुत बेस्ट फ्रेंड होता है, वो भी वहाँ पर आता है. दैट्स व्हाई द जायंट विल बी वेरी हैप्पी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द लिटिल बॉय सून डिसअपीयर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर. अब क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन फिर लास्ट में उसको मिलता है. कैसे मिलता है, क्या होता है, वॉट एवर वी विल सी इन द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. ही सो अ ब्यूटीफुल साइट, ही इज यूज्ड फॉर जाइंट. ही सो अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन. अब यहाँ पर क्या होता है, चिल्ड्रन को देख रहा है कौन, जाइंट, एक होल के अंदर से देख रहा है. कि क्रैप्ड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्रैप्ड इन इट मीन्स ऑल द चिल्ड्रन आर कमिंग इन साइड द गार्डन. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, एंड ऑल द चिल्ड्रन वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्री. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. एंड नाउ हियर जाइंट वॉज एबल टू सी इन ईच एंड एवरी ट्री देर वॉज अ चाइल्ड, अ लिटिल चाइल्ड. एंड द ट्रीज वर सो ग्लेड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट गार्डन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली. यस, फिर क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं. क्यों हैप्पी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब क्या हुआ है कि चिल्ड्रन आ गए हैं और हर पेड़ के ऊपर, हर ब्रांचेस पर बच्चे बैठे हुए हैं. दैट्स व्हाई देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंड वेरी लवली फ्लावर्स और ब्लॉसम्स देयर, एंड ट्रीज वर वेविंग देयर आर्म्स वेरी जेंटली. यस, लुक एट द पिक्चर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्यू. This one is the giant and all the children are sitting on the branches of the tree. But in there is a very little boy. He was not able to climb up the tree. Then what happened? We will see. Above the children's heads, the birds were flying about the twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. Yes, वहाँ पर क्या हुआ है, हर ट्री के ऊपर, हर ब्रांच के ऊपर जब बच्चे आ गए हैं तो बच्चों को आने से क्या होता है, वहाँ पर बर्ड्स भी आ गए हैं और बर्ड्स क्या कर रही है, वहाँ पर फ्लाई कर रही हैं. बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द ट्रीज एंड ट्विटरिंग. ट्विटरिंग इज़ यूज फॉर द साउंड ऑफ द बर्ड्स. It was lovely scene, and the scene of that garden was very lovely. Only in one corner it was still winter. The whole garden was green, but there was a corner and that was still winter. Why? Because it was the farthest corner. Yes, we must understand far. Far matlab dur. Further matlab usse dur. Farthest matlab ki superlative form hoga yahan par, sabse dur. गार्डन का जो लास्ट वाला कॉर्नर है वो क्या होता है, सबसे दूर वाला या लास्ट वाला कॉर्नर पे क्या हुआ है, देखो. फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वाज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और वहाँ पर क्या हुआ है, गार्डन के कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है. यस, ही वॉज सो स्मॉल. अब बच्चा बहुत छोटा है, इतना बड़ा मान लो नहीं यार, थोड़ा बड़ा होगा, देख लेते हैं अपन कितना बड़ा है. अभी देखा था पिक्चर में वही. यस, ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुडंट रीच अप द ब्रांचेस ऑफ द
tree and he was wandering all round it crying bitterly. कैसा चिल्ला रहा है वो? bitterly चिल्ला रहा है. bitterly क्यों यूज़ किया हमने यहाँ पर? bitterly इसलिए यूज़ किया है, bitter कड़वे के लिए होता है. और यहाँ पर bitter का मतलब कड़वा नहीं समझना है, कोई करेला नहीं समझना है. यहाँ पर bitter का मतलब होगा बहुत तीखी आवाज़ में चिल्ला रहा, जैसे कि किसी बच्चे को अपन चाटा मार देते वो चिल्लाता ना, वैसे नहीं मारते चाटा, गलत चीज़ है ये. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो. और अभी तक भी बेचारा वो पुअर ट्री है, वो क्या है, पूरी तरह से कवर है किससे? स्नो एंड फ्रॉस्ट. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउ इट. और वहाँ पर अभी भी नॉर्थ साइड से जो हवाएं चल रही थी, विंड चल रही थी, वो रोवर कर रहे हैं. क्लाइम अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. ट्री पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जो लिटिल बॉय है वो भी क्या करें, पेड़ पर आ जाए, ब्रांच पर बैठ जाए, तो उस पर भी क्या हो, ब्लॉसम्स आ जाए, फ्लावर्स आ जाए या फिर ग्रीन हो जाए. यस सेड द ट्री एंड इट बेंड इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टाइनी. अब पेड़ जो है, ट्री है, इट इज ट्राइंग हिज बेस्ट, इट्स बेस्ट टू बेंड डाउन इट्स ब्रांचेस, बट पूरा कोशिश करता है वहाँ पर पेड़ अपनी ब्रांच नीचे झुका रहा है, और झुका रहा है, लेकिन जो बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो ऊपर चढ़ नहीं पाता है. एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट. और जैसे ही बच्चा बाहर, जाइंट बाहर देखता है, तो क्या देखा उसने, उसका जो हार्ट होता है, उसका जो दिल होता है, वो पूरी तरह से पिघल जाता है. और वो सोचता है, जस्ट ही थॉट देयर हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड. ही इज अगेन यूज्ड फॉर जाइंट. वो बोलता है कि यार मैं कितना सेल्फिश था, इतना सेल्फिश किसी को नहीं होना चाहिए. हाउ मच सेल्फिश आई वॉज. Now I know why the spring would not come here. और अब मुझे पता चल गया है कि अभी तक यहाँ पर स्प्रिंग क्यों नहीं आई. स्प्रिंग मतलब बसंत है ना. Yes. I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground for ever and ever. फिर वो क्या सोचता है, he decided. Who decided here? You must know. Who? Giant. Giant बोलता है कि इस बच्चे को मैं उठा कर क्या कर दूंगा, सबसे ब्रांच, सब पेड़ के सबसे ऊपर वाली ब्रांच पर बिठा दूंगा. और जो मैंने वॉल बनाई है, कौन सी वॉल, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, जो गार्डन के चारों तरफ उसने क्या कर रखी है, वॉल बना रखी है, उसको भी तोड़ दूंगा और नोटिस बोर्ड हटा दूंगा. और मेरा जो गार्डन है, मेरा गार्डन हमेशा किसके लिए रहेगा, इट विल बी ओनली फॉर चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड. सो ही क्रेप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली. वो अपने स्टेयर से नीचे आता है, सीढ़ियों से नीचे उतरता है कैसल की, और अपना फ्रंट डोर जो होता है बिल्कुल सॉफ्टली और धीरे से ओपन करता है. एंड वेंट आउट इन द गार्डन. एंड हु वेंट आउट इन द गार्डन, गार्डन के अंदर कौन गया यहाँ पर कैसल से निकल कर, जाइंट. बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन दैट दे ऑल रेन अवे एंड गार्डन बिकम विंटर अगेन. अब क्या देखा उसने कि जैसे ही बच्चों ने उस जाइंट को देखा, और जाइंट को देखते ही क्या होता है, सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं. सिर्फ वहाँ पर कौन बचता है, वो छोटा सा बच्चा. ओनली द लिटिल बॉय डिडंट रन फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिडंट सी द जाइंट कमिंग. क्योंकि उसकी जो आँखें थी वो पूरी तरह से किससे भरी हुई थी, आंसुओं से भरी थी. बिकॉज ही वॉज क्राइंग एंड वीपिंग दैट्स वाई ही वॉज नॉट एबल टू सी दैट जाइंट वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम. स्टोल का मतलब क्या हुआ, स्टिल मतलब चोरी होता है, स्टोल सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्टोल एंड थर्ड फॉर्म विल बी द फॉर्म. बट स्टोल मतलब यहाँ पर चुराने से नहीं होता, चोरी छुप के पीछे से वो आता है, बिहाइंड हिम एंड टूक हिम जेंटली, और बड़े प्यार से उसको उठा लेता है, किसको, उस छोटे बच्चे को. एंड द जाइंट कंप्लीटेड, यार कितनी बार पढ़ोगे, टूक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप इन टू द ट्री, और उसको उठाकर ट्री के सबसे ऊपर वाले भाग पर बिठा देता है.
एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लॉसम्स, और उस जैसे ही बिठाता है और उस ट्री के ऊपर क्या होता है, ब्लॉसम्स फ्लावर्स आ जाते हैं। एंड द बर्ड्स केम एंड सिंग ऑन इट, उस पेड़ पर बर्ड्स भी आ जाती है, वो भी बैठ जाती हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम। यस, जैसे ही बच्चे को ऊपर उठाया जायंट ने, बच्चा क्या करता है, अपने हाथ ऐसे फ्लंग कर देता है, फैला देता है, किसके लिए, ट्री की ब्रांच को पकड़ने के लिए। अब उसने पकड़ा, और पकड़ते हुए जब उसके नेक के पास में पहुंचता है वो जायंट की, तो क्या कर देता है बच्चा, उसको जायंट को एक किस कर देता है। किस करना तो समझते ही हो आप, ठीक है, बहुत अच्छे समझते होंगे, इस पे ध्यान दो चैप्टर पे, है ना। किसको किस किया उसने, जायंट को, हिम इज़ यूज्ड फॉर जायंट। देन एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट वीक एनी लॉन्गर केम रनिंग, और जब पता चलता है उसको, किसको, दूसरे बच्चों को पता चलता है कि जायंट अब बुरा नहीं रहा, विग्ड किसके लिए यूज़ किया हमने, बुरे के लिए, अब वो सुधर गया है, पहले से अच्छा है, तो सारे बच्चे केम रनिंग इन द बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और जैसे बच्चे आते हैं उनके साथ स्प्रिंग भी आ जाती है। It's your garden now, little children, said the giant. And he took a great axe and knocked down the wall. फिर वो बोलता है कि बच्चों ये जो गार्डन है, ये गार्डन तुम्हारा है, इसलिए वो एक्स लेता है। एक्स, यू नो, एक्स मतलब बड़ी सी कुल्हाड़ी रहता है, एक ग्रेट कुल्हाड़ी लेता है और पूरी दीवारें गिरा देता है। एंड knock down the wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब 12 o'clock लगभग 12 बजे वहाँ से लोग गुजरते हैं मार्केट के लिए, तो देखते हैं कि giant क्या कर रहा है, giant बच्चों के साथ खेल रहा है, और वो सीन, वो जो ब्यूटीफुल सीन होता है, जो नज़ारा कैसा था, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन, जो ऐसा पहले कभी नहीं था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू जायंट टू बिड हिम गुड बाय। पूरे दिन बच्चे क्या करते थे, ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन एंड इन द इवनिंग ऑल चिल्ड्रन केम टू द जायंट फॉर टू बिड हिम गुड बाय। गुड बाय बोलने आते थे, है ना, किसको, जायंट को। ओके, बट वेयर इज़ यूअर लिटिल कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी, किसका, ही सेड, जायंट ने पूछा एक दिन कि तुम सब आते हो गुड बाय बोलने के लिए, लेकिन जो तुम्हारा छोटा कंपेनियन है, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो बच्चा जिसको मैंने पेड़ के ऊपर बिठाया था उठाकर, द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट, जायंट उसको बहुत प्यार करता है, बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उस बच्चे ने उस जायंट को क्या किया था, एक किस किया था, उस किस के बाद में उसको बहुत प्यार करने लग जाता है। ओके, वी डोंट नो, आंसर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बोलते हैं हमें नहीं पता यार कहाँ गया वो, ही हैज़ गोन अवे, कहीं भाग गया होगा, कहीं गया वो, ये आंसर किसने दिया, अदर चिल्ड्रन ने, यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, उसको तुमको कहना है कि यहाँ पर आए, और आने के बाद में उसको लेकर साथ आना है, सेड द जायंट, बट द चिल्ड्रन सेड, हो गया ना हमारा, ये नीचे आ जाओ, एंड ही हैड नेवर सीन हिम बिफोर, एंड देन यस, बट द चिल्ड्रन सेड दे डिडंट नो लिव्ड एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, जब दूसरे बच्चों ने बोला कि भैया क्या हुआ है कि यहाँ पर अगर तुम्हारा बच्चा, वो छोटा बॉय नहीं आया, तो यहाँ पर वो बड़ा सैड फील कर रहा है, हु वाज फीलिंग वेरी सैड, जायंट। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल एवरी डे ऑल द चिल्ड्रन केम टू जायंट एंड प्ले विद द जायंट, बट द लिटिल बॉय होम द जायंट लव्ड नेवर सीन अगेन, लेकिन वो छोटा बच्चा जिसको जायंट बहुत प्यार करता है, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, येट ही लॉन्ग्ड फॉर हीज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हीम, लेकिन वो जब छोटा बच्चा उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसके बारे में वो बात क्या करता है, दूसरे बच्चे खेलते हैं उनको देख कर जायंट बड़ा खुश होता है, ही वॉज वेरी हैप्पी।
हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज़ टू से, यूज़ टू एक मॉडल है हमारा, मॉडल जब डिस्कस करें उसमें बात की जाएगी इसकी। वो कहा करता था कौन जाइंट कि उस बच्चे से मैं कैसे मिल पाऊँगा। ईयर्स वेंट बाय, सालों गुजर जाते हैं। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, अब जाइंट बेचारा बूढ़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, एक दिन बुजुर्ग हो जाता है। फीबल, फीबल इज़ यूज्ड फॉर वीकनेस, कमज़ोर हो जाता है वो। ही कुडंट प्ले अबाउट एनी मोर, नाउ जाइंट वॉज नॉट एबल टू प्ले विद द चिल्ड्रन, बट क्या करता वो, ही सेट इन ह्यूज आर्म चेयर, एक बड़ी सी चेयर होती है, आराम से इसके ऊपर ये बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको, आर यू एबल टू सी, दिस इज़ द चेयर जिसके जैसे मैं बैठा हूँ, है ना, पर मैं जाइंट नहीं हूँ, है ना, ऐसे बैठा है। ये बच्चे सब क्या कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे खेल रहे हैं इसके अंदर। ओके, अब जाइंट तो बूढ़ा हो गया बेचारा, ही कुडंट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सेड हो गया हमारा, एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एंड देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन। तो क्या करता है, वहाँ पर बैठा रहता अपनी आर्म चेयर पर, अपने गार्डन को देखता है, बच्चों को देखता है और अपने गार्डन की तारीफ करता है। और क्या बोलता है वो, आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स ही सेड, मेरे गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे बहुत ब्यूटिफुल फ्लावर्स हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन सारे फ्लावर्स के अंदर जो बच्चे हैं वो सबसे अच्छे फ्लावर हैं मेरे लिए, सबसे अच्छे फूल कौन है, बच्चे। फूल फ्लावर की बात कर रहे हैं, है ना, वो इंग्लिश वाला वर्ड फूल मत करना, नहीं तो आप समझ लो भैया कि सर ने तो फूल बोल दिया। अरे नहीं रे, फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। यस, वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक दिन क्या होता है विंटर के टाइम पर, वो देखता है बाहर, देखा उसने अपनी विंडो से बाहर देखा, जैसे आप सुबह सुबह उठ के देखते हो, ऐसा बेचारा जाइंट ने भी देखा, कोई बड़ी बात नहीं है। ही डिडंट हैड द विंटर नाउ, फॉर ही न्यू दैट इट वॉज द मियर द स्प्रिंग अस्लीप एंड द फ्लावर्स वर रेस्टिंग। अब फिर से विंटर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जाइंट सरप्राइज्ड नहीं होता है, वो डर भी नहीं उसे, क्यों, क्योंकि वो जानता है कि अब स्प्रिंग का टाइम ख़त्म होने वाला है और विंटर का स्टार्ट होने वाला है। दैट्स व्हाई ही डिडंट वरी, बट सडनली ही रब्ड हिज आइज, रब्ड मतलब जैसे अपन आंखें साफ करते हैं ना, ऐसे पोंछते हैं, ऐसे करते हैं अपन बहुत बार, है ना, ऐसे उसने भी कर लिया। तो उसने रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड एंड लुक्ड, बार बार अपनी आंखों से वो रब करके देखता है और बाहर देखा उसने, क्या देखा, इट सर्टनली वाज ए मार्वेलियस साइट, उसने देखा कि बहुत मार्वेलियस, मार्वेलियस मतलब बहुत बहुत शानदार, है ना। इन द फॉरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के लास्ट वाले कॉर्नर पर, फॉरेस्ट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, वाज ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, एक फॉरेस्ट कॉर्नर जो गार्डन का है वहाँ पर अभी भी वाइट लवली फ्लावर्स है। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी ब्रांचेस अभी भी गोल्डन है, एंड सिल्वर फ्रूट हग डाउन फ्रॉम देम, एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उस पेड़ के नीचे क्या हुआ है, उस ट्री के नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा हुआ है जिसको जाइंट बहुत प्यार करता है। डाउन स्टेयर ही रैन, रैन द जाइंट इन अ ग्रेट जॉय एंड आउट इन टू द गार्डन, वो स्टेयर्स नीचे आता है और क्या करता है, बहुत खुश है वो, कौन जाइंट, ही वॉज वेरी हैप्पी, और गार्डन के अंदर जाता है। ही हैस्टन अक्रॉस द ग्रास, हैस्टन मतलब क्या हुआ, हाँ जल्दी जल्दी, बहुत अपने जल्दी जल्दी पेड़ चलाता है, एंड केम नियर टू द फेल चाइल्ड, और उस चाइल्ड के पास पहुँचता है, कौन सा चाइल्ड, वही छोटा सा बच्चा। एंड वैन ही कैम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर, और जैसे वो उसके पास जाता है, क्वाइट क्लोज होता है, तो उसका चेहरा गुस्से से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। एंड ही सेड हु हैथ डेयर्ड टू वुंड दी, अब देखो यहाँ पे जो है एक चीज़ समझ नहीं पड़ेगी हमें, जो हैथ यूज़ किया है ये ओल्ड इंग्लिश है, अब हम हैज़ लिखते हैं, पहले क्या लिखते थे, हैथ लिखते थे, दी हम अब यू लिखते हैं, लेकिन पहले यू नहीं लिखा जाता था, दी लिखा जाता था, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस वर्ड। वो बोलता है ओल्ड इंग्लिश में, हु हैड डेयर टू वुंड, वुंड मतलब कि जो घाव होते हैं, जो जख्म होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। फ
फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, और उसके छोटे छोटे हाथ है बेचारे के उसके ऊपर क्या हुआ है, निशान बने हुए हैं नाखून के। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उसके छोटे छोटे बेचारे पैर के ऊपर भी किसी के नाखून के निशान लगे हुए हैं। फिर गुस्सा आता है उसको, चिल्लाता है जाइंट, क्राइड द जाइंट हु हैड डेयर टू वुंड दी, किसकी हिम्मत हुई, डेयर मतलब साहस होना, हिम्मत होना, ऐसी किस में हिम्मत है कि तुमको ये घाव ये वुंड दिए हैं। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, स्वॉर्ड यू नो वेरी वेल जो तलवार होती है ना, और जो लाड़ा लेता ना शादियों में वही तलवार, यस। तो वो क्या बोलता है, अब मुझे बताओ मैं अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड निकालूंगा एंड स्ले हिम, स्ले का मतलब क्या होगा, किल करना, किल कर देना मतलब मार देना, मैं उसको मार दूंगा। ये देखो यहाँ पर, दिस इज द पिक्चर ऑफ जायंट हु हैड डाइड, बट हाउ, नो नहीं, आंसर करता है मुस्कुरा के, आंसर द लिटिल चाइल्ड बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव। जायंट ने बड़े प्यार से बोला उसको कि ये जो घाव दिख रहे हैं तुमको, ये घाव किसके हैं, प्यार के हैं, ये किसी ने मारा नहीं है मुझे, ये घाव तो किसके हैं, लव के निशाने। हु आर्ट दाऊ, हु आर्ट दाऊ किसको बोल रहा है वो बच्चे को, कि तुम कौन हो, सेड द जाइंट एंड अ स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो क्या करता है चाइल्ड के सामने, छोटे बच्चे के सामने घुटनों पे बैठ जाता है, उससे पूछता है हु आर्ट दाउ, कि तुम कौन हो। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, और चाइल्ड क्या करता है जाइंट की तरफ स्माइल करता है, मुस्करा कर बोलता है, क्या बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन यूर गार्डन, एक दिन तुमने मुझे परमिशन दी थी, क्या दी थी, कि तुम क्या करो मेरे गार्डन में खेलो, मतलब तुमने तुम्हारे गार्डन में खेलने की मुझे परमिशन दी थी, प्ले वंस इन यूर गार्डन, आपके गार्डन में खेलने की परमिशन दी थी, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, और अब तुमको क्या करना है, चलना है खेलने के लिए कहाँ पर, मेरे गार्डन में, और मेरे गार्डन का नाम क्या है, पैराडाइज, पैराडाइज यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज होता है जो हेवन होता है, हेवन समझते हैं स्वर्ग, मतलब सीधी सी बात आपको समझ में आ गई, छोटा बच्चा कौन था, गॉड भगवान, भगवान ही स्वर्ग में ले जाएंगे आपको, है ना, तो गॉड था। एंड वेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून, और दूसरे आफ्टरनून को, दूसरी दोपहर को सब बच्चे आते हैं, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, उसी ट्री के नीचे क्या हुआ है, जाइंट मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसकी डेथ हो गई है, मतलब कि उसका शरीर यहीं पर रह गया, और आत्मा तो तुम जानते हो हमारे, वो कहाँ चले गए, स्वर्ग में। ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स, और उसके ऊपर क्या है, वाइट फ्लावर्स पड़े हुए हैं, मतलब कि जो अब है वो जाइंट का सिर्फ बॉडी है, सिर्फ शरीर बचा हुआ है ना, शरीर क्या है अपना, नश्वर है जानते हो आप, और आत्मा क्या है, वही अमर है, और फालतू सब लोग किसमें पड़े हुए रहते हैं, हमेशा मोह माया में पड़े हुए रहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, यहाँ पर द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड। सो माई डियर स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।